अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो जो होगी वो कोरोना से रिलेटेड है कि आप लोगों को आगाह करना है कि कोरोना एक जानलेवा मर्ज़ है और इससे अपने आप को और अपने घर वालों को आप किस तरीके से सेफ रख सकते हो। एंड आई विल टेल यू अबाउट हाउ यू कैन रजिस्टर फॉर कोरोना वैक्सीन इन पाकिस्तान फ्री ऑफ कॉस्ट। वैक्सीन प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान गवर्नमेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन लगा रही है। हम लोग अक्सर लोग इस चीज़ के बारे में गलत राय रखते हैं। क्या राय हम गलत राय ये रखते हैं? पहली चीज़ तो यही है कि भाई ये जो चाइना की तरफ से मुफ्त की वैक्सीन है, बच्चे मुफ्त की वैक्सीन नहीं है, ठीक है। मेरे पेरेंट्स ने ये वैक्सीन करवाई है और अल्लाह का शुक्र है उनके अंदर कोई भी इस तरह के सिम्टम्स नहीं पाए गए। ना सिर्फ ये बल्कि मेरे रिलेटिव्स ने भी यही वैक्सीन करवाई है, तो उन्हें कोई भी इस तरह का इशू नहीं हुआ। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को, जो आपके बड़े बुज़ुर्ग हैं जिनकी उम्र 50 साल से अबव है, उन सबको कोशिश करो कि उनका ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो वैक्सीन के लिए, वैक्सीन करवाओ। और देन जो है, अब अगर नेक्स्ट जो फेज़ स्टार्ट होने लगा है 40 to 49 वाले लोग, उन वो भी अपना रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। आज हम रजिस्ट्रेशन का तरीक़ेकार देखेंगे और साथ साथ मैं आपको गाइड करता रहता हूं कि आपने किस तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन के लिए रजिस्टर्ड करना है। सबसे पहले लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। लिंक आपने ओपन करना है nims.nadra.gov.pk। ये नादरा की वेबसाइट है, नादरा से रजिस्टर्ड है। आपको यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपना शिनाख्ती कार्ड नंबर, आपने सिर्फ शिनाख्ती कार्ड नंबर इंटर करना है। अपने शिनाख्ती कार्ड की इशू डेट यहाँ से सिलेक्ट करनी है कि आपकी इशू डेट क्या है। जैसे जिस तारीख को आपका शिनाख्ती कार्ड बना है उसके बैक साइड पर आपको इशू डेट दी होगी। अगर आपका शिनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो गया तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट होगी कि काइंडली अपना शिनाख्ती कार्ड रीन्यू करवा लें, ठीक है। आपने यहाँ से पहले ईयर सेलेक्ट करना है, देन आपने मंथ सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने डेट सेलेक्ट करनी है। तो ऑटोमेटिकली डेट आपकी यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ से आपने सर्विस प्रोवाइडर सेलेक्ट करना है, आप कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं। पहली मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होगी कि आपने कोशिश ये करनी है कि आपने वैक्सीन जो आपका पोर्टेबल ना हो नंबर, यानी कि अक्सर यू फोन का नंबर होता है और आपने जैज़ पर कन्वर्ट करवाते होते हैं, जैज़ वाला, या आपने टेलीनॉर पे, तो ऐसे नहीं करना। आपका जो पोर्टेबल ना हो नंबर आपने वो सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर जोंग सेलेक्ट कर लेता हूँ कि जोंग का नंबर है, देन यहाँ पर मैंने अपना नंबर इंटर करना है। नीचे जो होगा वो मुझे दो क्वेश्चन पूछेगा। मैथ का सिंपल क्वेश्चन है, 4 जमा 1 क्या होता है, 5 होता है, तो यहाँ पर मैं 5 लिख दूंगा। देन जो है उसके बाद मैं इंदराज के बटन पर क्लिक करूँगा। इंदराज के बटन पर क्लिक करने के बाद अगर इसमें कोई भी चीज़ मेरी इनकोरेक्ट हुई, यानी शिनाख्ती कार्ड नंबर और इशू डेट, तो मेरे पास एरर लिखा हुआ आ जाएगा। और अगर करेक्ट होगी इन्फॉर्मेशन, करेक्ट होने के बाद मेरे जो स्क्रीन है वो इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी, जिसमें यहाँ पर मेरा सेल नंबर लिखा होगा और यहाँ पर जैसे यू फोन सेलेक्ट है तो यू फोन होगा, और नीचे क्या होगा, तस्दीक कोड जो आपको SMS के ज़रिए भेजा गया है। आपको 4 हिंसों का एक कोड आपके नंबर पर, जो कि आपने ऑलरेडी यहाँ पर नंबर लिखा है आपका, वो उस नंबर पर 4 हिंसों का कोड दिया होगा। आपने क्या करना है, अपने वो 4 हिंसों का कोड यहाँ पर दर्ज करना है, यानी कि नीचे वाले बॉक्स में लिखना है और तस्दीक करें के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही तस्दीक करें के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपने अगर एक्यूरेट कोड लिखा होगा तो आपको यहाँ पर आपका शिनाख्ती कार्ड नंबर शो हो जाएगा। मालूमात फ्राहम करने का शुक्रिया, आपकी मालूमात की तौसीक की जा रही है, जल्द ही आपको आगाह कर दिया जाएगा। उसके कुछ देर बाद आपको जो है वो आपका सेंटर बता दिया जाएगा और 4 हिंसों का पिन कोड बताया जाएगा। वो 4 हिंसों का पिन कोड जो है वो आपका यूनिक पिन कोड है, वो आपने किसी को नहीं बताना। आपने उस पिन कोड को अपने कागज़ पर लिख लेना है और इसके बाद आपको सेंटर के बारे में मालूमात दी जाएगी कि फलां जगह सेंटर है, आप कोशिश करो आप उस सेंटर में चले जाओ। फिर उसके बाद कोशिश करो कि जिस टाइम सेंटर में रश ना हो आप जाके वहाँ पर वैक्सीन लगवाओ, ठीक है। वैक्सीन करवाने के बाद अपने दोस्तों को भी, जो बड़े आपके दोस्तों को भी बताओगे कि वो अपने जो बुज़ुर्ग हैं आपके घर में, आपके वालदैन हैं, तो उनको आप लोग उन्हें गाइड करोगे कि ये जैसे हम टाइफाइड वगैरह की या मलेरिया की या दूसरी वैक्सीन तो करवा रहे होते हैं, लेकिन ये कोरोना की वैक्सीन हम इसलिए नहीं करवा रहे क्योंकि ये न्यू है, ठीक है। तो इसके ऊपर ऑलरेडी टेस्ट किए जा चुके हैं। अमेरिका इस टाइम अपनी आधे से ज़्यादा आबादी को यही वैक्सीन कर चुका है,
लेकिन इंडिया वालों ने इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया, तो इंडिया के हालात आप लोग देख रहे हो कि कितने ख़राब हो चुके हैं। इंडिया में हालात इतने बुरे हैं, इतने बुरे हैं कि आप लोगों की सोच होगी, और अगर आपके पेरेंट्स नहीं बात मानते आपकी, तो बच्चे आप लोगों ने एक काम करना है, आपने इंटरनेट से वीडियो डाउनलोड करनी है इंडिया की। आपको फेसबुक पेज हर जगह पे आपको इजीली अवेलेबल होगी, वो वीडियो डाउनलोड करके अपने पेरेंट्स को और अपने घर वालों को आपने वो वीडियो दिखानी है कि इस हालात से बेहतर है कि आप एक इंजेक्शन लगवा लें और अपने अपने आप को जो है वो सेफ कर लें। इसके अलावा अल्लाह ना करें आपको कोई नेगेटिव सिम्टम्स ज़ाहिर होती हैं वैक्सीन की वजह से, तो आप उसको यहाँ पर ऑनलाइन भी दर्ज करवा सकते हो। इसका सक्सेस रेट जो है चाइना की वैक्सीन का वो 95% है, यानी कि अगर कोई बंदा इसको वैक्सीन करवा दे तो उसको 95% 95% चांसेस होते हैं कि उसको कोरोना नहीं होता, ठीक है। लेकिन एहतियात लाजमी है, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि आप लोग इस तरीके से वैक्सीन अपनी करवा लो, और अगर आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है ड्यूरिंग दिस वैक्सीन, तो अपने डॉक्टर से भी आप लोग कंसल्ट कर सकते हो जो आपका स्पेशलिस्ट हो, जिस पर आपको यकीन हो कि भाई आपने जो है वैक्सीन करवा ली है। तो इसके अलावा अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए कोरोना वैक्सीन का, तो वो उसकी 100 रुपीज़ फ़ीस है, मगर ये वैक्सीन अभी तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो रही है, लेकिन कल को जब इसकी फ़ीस होगी तो उसके पर भी आवाम जो है ये आपको किसी एजेंट को, हेल्थ एजेंट को या किसी भी पर्सन को कोई पैसे नहीं देने। इसके अलावा अगर आप लोगों के लिए मेरी 24 घंटे सर्विस अवेलेबल है, अगर कोई पर्सन कोरोना की फ्री ऑफ कॉस्ट जो है रजिस्ट्रेशन अपने पेरेंट्स की करवाना चाहता है, तो वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखोगे, कोरोना से अपने आप को महफूज रखोगे, और जो है वो मेरी ये वीडियो अपने दोस्तों तक, अपने अजीज़ अकारिब तक ज़रूर शेयर करोगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना।